कोसली के मैं आज बता के जा रहा हूँ, कोसली में जो बंदे होगा जीत के आएंगे वैसे और बाकी आप ले। अरे अपने और पराए मंत्री का जो सीख जाओ, जिस दिन ये काम सीख जाओगे तो भी पछताना नहीं पड़ेगा। पिछले वर्ष भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने मतदान से पहले 7 अप्रैल 2024 को बेरी की जनसभा में जो भाषण दिया था, उस भाषण को इस समय यादव के समर्थक वायरल कर रहे हैं। इसकी वजह है जगदीश यादव की कही गई बातों का सच सिद्ध होना। बेशक दीपेंद्र हुड्डा कोसली विधानसभा क्षेत्र से मात्र 2 वोटों की बढ़त ले पाए, लेकिन जीत तो जीत ही है और इस जीत ने जगदीश यादव को कोसली में नायक बना दिया है। सुनिए जरा जगदीश यादव ने क्या कुछ कहा। बता दे, दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक लोकसभा क्षेत्र का चुनाव रिकॉर्ड मतों से जीता है। उन्हें रोहतक की सभी 9 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली है। वर्ष 2019 में दीपेंद्र कोसली से 75,000 वोटों से पिछड़ गए थे, यही उनकी हार का कारण बन गया था। देखो कोसली के मैं आज बता के जा रहा हूँ, कोसली में दीपेंद्र हुड्डा जीत के आएंगे वैसे और बाकी आप देख लेते हो। 100% 100% हम जिता करके भेजेंगे। ये कोसली विधानसभा क्षेत्र की जनता ने, अहिवाल की जनता ने ये फैसला कर लिया है और बाकी घने घने वोट से तुम जिताओ तो एक रिकॉर्ड कायम होगा। और हरियाणा प्रदेश में जब दीपेंद्र जी को ज्यादा मतों से जिता के भेजोगे तो चौधरी भूपेंद्र जी हुड्डा की सरकार निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश हरियाणा में बनेगी। और जिस प्रकार से 1 नंबर का प्रदेश उन्होंने बनाया था, आगे भी उसी प्रकार से उसको और ऊपर लेकर के जाएंगे। इलाके का चहुंमुखी विकास होगा, हरियाणा प्रदेश का विकास होगा। इसलिए प्रजातंत्र में ये वोट का बड़ा महत्व है, इसको मामूली बात मत समझना, बड़ा सोच विचार करके फैसला करना है आपने। अरे अपने और पराए मंत्री का जो सीख जाओ, जिस दिन ये काम सीख जाओगे तो अभी पछताना नहीं पड़ेगा। अपना वो जो हमारे काम है, जो हमारे बीच रहे, हमारे सुख दुख का साथी रहे।